इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के बाद ये पहला श्रीलंका और बांग्लादेश आज खेले हैं। लकी ये रहा स्कोर। वर्ल्ड कप में तो लग रहा था कि बांग्लादेश हर टीम को मार लेगी, लेकिन आज हमने एक बात की थी, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है, शकीब उल हसन भी नहीं है। 314/8 श्रीलंका ने इनको मारे हैं और 223 और 3 विकटें 38 रन दे के मलिंगा ने अपना करियर ख़त्म किया है। आज रिटायर हुए हैं लसन मलिंगा, ग्रेट सर्वेंट टू क्रिकेट। तो बहुत ही वन साइडेड गेम, 91 रन के साथ जो है ये हारे हैं। मुशफिकुर रहीम के अलावा कोई भी नहीं चला बांग्लादेश का, तमीम भी जीरो पे गया है, शब्बीर साबिर ने एंड में जो है 50 करी है, कोई भी नहीं चला, साफ बात है कि बहुत ही वन साइडेड। कुशाल परेरा ने 100 करी है। तो वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा बड़ी खामोशी से मैच हुआ है एक तरीके से, ज्यादा लोगों ने इतना नोट भी नहीं किया उसको, जाहिर बात है। तो तुम क्या कहोगे कि श्रीलंका की टीम जो इतना मार खा रही थी सडनली एकदम से उनका कोई रिवाइवल आया, या बांग्लादेश ने जो चेंजेस करी है उसका? हमने ये टॉपिक डेफिनेटली ये वर्ल्ड कप के टाइम पे ही किया था कि श्रीलंका की टीम ग्रूम हो रही है, दे आर द न्यू वंस, बट अगर फ्यूचर देखें उनका, अगर यही टीम खेलती रही तो ये कुछ करेंगे, कुछ करेंगे इन अ सेंस टैलेंट है, इनको टाइम चाहिए था, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि आते ही इनके होम ग्राउंड पे इनके साथ एक सीरीज हो गई है जो टीम अच्छा खेल रही थी। आप उन्हीं के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म करना, आप चेक करो उनकी बैटिंग लाइनअप, सिर्फ जिसके बारे में हम कर रहे थे फर्नांडो एक नई खोज है उनके लिए, वो नहीं चला, अदरवाइज चेक करो सलमान, 36, 111, 43, 48, 25, 18, मतलब एग्जैक्टली। और वो पार्टनरशिप में देखे 314 बनाया उस टीम के खिलाफ जिसने एक हिसाब से वर्ल्ड कप का पूरा लेवल हिलाया था, सही बात, बांग्लादेश के। तो आप एक चीज चेक करो, या तो बांग्लादेश ने जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि शायद कोचिंग स्टाफ सारा चेंज हुआ है, चेंजेस फर्दर इंप्रूवमेंट के आ रहे हैं, या दे आर गोइंग लैगिंग बिहाइंड, तो इन चीजों को यहां से आप देखना शुरू कर सकते हो कि शायद कहीं वो इजी ना ले रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ फरूख भाई, पूरा कोचिंग स्टाफ बदल दिया बांग्लादेश ने। आपने इतने अरसे क्रिकेट फॉलो किए, एक अच्छा स्टेप था या मैं बहुत ही गलत हरकत करी है, हालांकि अच्छा खेले भी थे? देखिए जो ऐसा बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है, जो हम नहीं जानते, हो सकता है जो स्टाफ है वो नहीं रहना चाहता हो, उनकी अपनी कोई कमिटमेंट होती है, क्योंकि देखिए ये सारे प्रोफेशनल होते हैं लोग, ठीक है, और ये जो नेगोशिएशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो काफी पहले हो जाती है, राइट? तो उसमें 3 महीने पहले 6 महीने पहले आपको पता होता है कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होने वाला है, तो आप ऑलरेडी कहीं और कमिट कर लेते हो। तो अब उसमें हमें नहीं मालूम कि या तो स्टाफ जो था वो पूरा वो कहीं और जा रहा था, या के ऑर्गेनाइजेशन थी वो उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है। तो उसमें मेरे ख्याल में अगर कोई हमें बांग्लादेश टीम का कोई इनसाइडर मिले तो हम इस पर बात कर सकेंगे, लेकिन चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या उनकी इंटरनल सिचुएशन क्या चल रही थी वहां पे। जो जो मेरे बांग्लादेशी दोस्त उनका कहना है टू मच पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग बांग्लादेश क्रिकेट, फिर से वो खालिद महमूद जिनको इन्होंने इंटरिम कोच बनाया है, वो इस वक्त 9 मजीद पोजीशनें बोर्ड में लेके बैठे हुए हैं। वो कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं ना बांग्लादेश बोर्ड वाले, तो एक सैलरी के ऊपर 9। तो सर जी फिर वही बात वहीं पे आ गई ना, टॉपिक यही था हमारा कि जिसको निकाल रहे हो या तो उन्हीं के लेवल का ला रहे हो या तो उनसे भी बेहतर ला रहे हो, सो दैट कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके हो, मतलब बांग्लादेश इज नो मोर अ ग्रोइंग टीम, ये एक लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये आपने देखा है अभी वर्ल्ड कप में कि ये अपनी छाप छोड़ चुके हैं, तो आप फ्यूचर ही देख रहे हो, तो डेफिनेटली यस देयर इज अ वेरी गुड साइन। अदरवाइज जैसे हम फैंस हैं क्रिकेट के, तो मैं सारा कुछ फॉलो करता हूँ। हाँ जी, आपका कहना सही है कि इंटरनल बातें हमें नहीं पता, लेकिन फारूक भाई सीधी सी बात यह है कि एज अ क्रिकेटर आप ये चीज देख रहे हो कि डेफिनेटली कहीं पे डाउनफॉल हो रहा है। हमारा वही टॉपिक था कि हम उसके रिलेटेड टॉपिक छेड़ते हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ना कि हम वो पॉलिटिकली कोई आंसर दें कि हाँ भाई ये गलत हुआ या राइट हुआ, बट डेफिनेटली वॉल्स 1 या 1.5 साल हुआ है मेरे ख्याल से उनके पास, मुश्किल से 1.5 साल, तो उनका उतना भी करियर नहीं था मेरे ख्याल से कि आप 6 महीने करके साल करके निकल जाना, एंड ही वॉज डूइंग गुड। उनकी खोज के हिसाब से थोड़ा टाइम तो लगता है सर, लेकिन डेफिनेटली ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट देख के तो लगता नहीं था कि ये बैकफायर होगा भाई। 330 बना खा के आप चेस कर रहे हो, 320 और टीमें देखो 333 मार रहे हो, यू नो बिल्कुल टीमें देखो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला ही मोर्चा और वो जीते हैं, वेस्ट इंडीज को 321 मरवा के उसके बाद 40 ओवर में चेस कर देना 42 में, दैट वाज अ ह्यूज फैक्टर, ठीक है ना?
लेकिन लगी फारूक भाई की बात सही लग रही है मुझे कि उन्होंने कहा बाय वन एंड गेट एट फ्री वाली कहानी चल रही है। ये बहुत आला है, ये बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब यार इतने जो तीन लोग मैनेजमेंट में है फारूक भाई, उनके पास किसी के पास 5 पोजीशन है बोर्ड की, किसी के पास 9 है, किसी के पास 6 है। तो ये मुझे अफसोस इस बात का है कि बांग्लादेश ने बड़ी मेहनत से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, वो जो हरकतें पाकिस्तान में होती हैं, हमारे मुल्कों में होती हैं, वो वहां ना हो, जिससे ये उस बैक पीछे की तरफ ना जाए, मेरी उम्मीद है। हाँ जी सलमान, मिट्टी तो वही है ना, उसी एरिया की मिट्टी है और हम सब एक ही थे पहले, ये फर्क तो दाल चावल तो एक ही है ना जो खाया था पहले, तो ये भी नहीं है। चले वो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो है वो क्या आ जाएगी, सच्ची आ जाएगी, बिल्कुल सही कह रहा है, न्यूज़ आएगी, इसके बाद भी हो सकता है कि बहुत सारे खुलासे हो जाए, क्योंकि आज जब लकी यकीन माने फरुख भाई, आज जब बांग्लादेश हारा ना, मैंने ये कहा अरे ये कैसे हार गए, आप ये लेवल पे आ गए कि बंदा कहते ये कैसे हार रहे, पहले होता था हार गए, हार जीत भी एक मतलब लादा चीज हो गई कि हाँ भाई हार जीत होती है, बट कंपैरिजन नहीं था आज, कंपैरिजन नहीं था। अच्छा चले इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं, हाँ टेक्निकली देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका खेल रही जाके, ठीक है, तो ये पहला मैच है वर्ल्ड कप में, क्योंकि बहुत प्रेशर था, आए तो आए, स्टाफ भी चेंज हुआ है, थोड़ा क्लाइमेटाइज होने में भी टाइम लगता है। अच्छा दूसरा मैंने देखा नहीं है कि स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट लिए हैं या फास्ट बॉलर ने लिए है। तो मलंगा तो आपको पता है मलंगा है, वो तो इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस साल, उन्होंने बांग्लादेश ने 2 और शफी ने 3 लिए हैं, स्पिनर नहीं चलेंगे। और एक और बात, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, एक और चीज जो मैंने आज देखी है इनके मैच में वो ये हुआ है कि श्रीलंका एक तो अपनी होम कंडीशन में थी, फिर कैप्टन भी डिफरेंट था बांग्लादेश का, तमीम पहली बार कैप्टनसी कर रहा था आज, ठीक, और खुद जीरो में गया, तो प्रेशर शुरू हो गया, मेबी इज जस्ट अ बैड, वो कहते हैं ना बैड डे एट ऑफिस, ये भी हो सकता है। हां जी वो तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ क्रिकेट है, आप बस नोट करवा रहा था कि हां आज जीरो में गया तमीम, शायद उसके कारण भी फैक्टर होता है कि आपकी ओपनिंग ना चले तो पीछे वाले बैट्समैन जो आते हैं जो इनफॉर्म नहीं है तो प्रेशर तो पड़ता ही है। डेफिनेटली श्रीलंका को श्रीलंका के घर में हराना इज अ वेरी बिग आस्क किसी भी टीम। अभी यहाँ पे चेक कर रहा था मैं, उनके शफीउल और मुस्तफिजुर ने मिलकर 5 विकेटें लिए हैं, तो इट मींस पेस अटैक दोनों तरफ से विकेटें निकाली है उन्होंने, ना कि स्पिनर्स का काम था। सही बात है। फारूक भाई ने बात करी बैड डेट ऑफिस, तो कई बार इस तरह भी होता है कि 3 अच्छे दिनों के बाद एक बुरा दिन आता है, तो आज चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है आयरलैंड और इंग्लैंड का टेस्ट। अजीब तरीके से स्टार्ट हुआ, एक मैं थोड़ी सी बात करता जाऊं, ये 4-day टेस्ट था, ये 5-day टेस्ट नहीं था, जो लोग सुन रहे हैं रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। 5-day टेस्ट में 200 रन पे फॉलो ऑन होता है, इसमें 150 रन पे फॉलो ऑन होता है, तो 4 दिन के टेस्ट में और 5 दिन के टेस्ट में ये फर्क है। उसके बाद एक दिन जो है उसमें 90 ओवर्स 5 दिन के टेस्ट में बोल किए जाते हैं, जबकि 4 दिन के टेस्ट में एक दिन में 98 ओवर्स अलाउड होते हैं, तो ये एक टेक्निकल डिफरेंस है 4 दिन के और 5 दिन के टेस्ट में। बहरहाल अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, 85 पे इंग्लैंड आउट हुई है, पिछली 100 साल में सदी में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम अंडर 100 आउट हुई हो और वो टेस्ट मैच जीत गई हो। और आयरलैंड ने आज जिस तरह की बैटिंग की है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग हाईलाइट्स देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, स्लिप प्रैक्टिस कैच प्रैक्टिस इतनी आराम से नहीं होती जितनी आराम से इन्होंने आज बैटिंग करके, 21 for 3 थे आयरलैंड, तो 17 रन पे इन्होंने 7 विकेट लूज करी हैं, 38 पे ऑल आउट हुए लकी। एग्जैक्टली ये तो तुचल में आई वाली बात हो गई, पता भी नहीं चला, बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। 38 इज लाइक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड आई गेस, या लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट हो गया ये बिल्कुल। और फारूक भाई 2 बॉलर लगाए हैं उन्होंने इंग्लैंड ने, और उन्होंने पूरी टीम साफ कर दी, वोक्स ने 6 और ब्रॉड ने 4 विकेट, बिल्कुल सही है। सलमान आप याद करो, ब्रॉड का सेकंड इनिंग में विकेट लेने का सिलसिला जारी है, दिस गाय इज सो गुड विद बॉल इन सेकंड इनिंग्स, इसके रिकॉर्ड्स खुद कहते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने 8 विकेट ली थी, एशेज में ली थी, पूरा गेम बदल दिया, और ये एशेज के लिए बहुत ही बड़ा सिग्नल है ऑजीज के लिए। एग्जैक्टली, अब मैं फारूक भाई इसी पे आता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी बड़ा टफ स्क्वाड अनाउंस किया, मेरे पास अभी पूरी लिस्ट आई नहीं है, कुछ चेंजेस और होने वाली है उसके अंदर, लेकिन आपको क्या लगता है कैसी होगी एशेज इस साल? एशेज अच्छी होगी क्योंकि इंग्लैंड का जो मोरल है वो काफी हाई है, ठीक है ना, जब किसी भी टीम का किसी ऑर्डिनरी प्लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए उसके अंदर हौसला होना चाहिए,
राइट, तो जिस दिन उसका हौसला अच्छा होता है और वो अच्छे रिदम में होता है तो वो एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन जाता है। सही बात। तो इंग्लैंड इस वक्त बहुत हाई स्पीड में आएंगे और खेलना, और एशेज सीरीज हमेशा अच्छी होती है क्योंकि दोनों तरफ से जो वो प्रोफेशनलिज्म टॉप पे होता है, फिजिकल फिटनेस बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा खेलने को मिलता है और एक दूसरे की राइवलरी बहुत अच्छी है। तो उसमें आपको हमेशा बहुत अच्छी सीरीज जो है वो देखने को मिलती है। टेस्ट का जो है वो हमेशा एक अलग, यू नो, टेस्ट क्रिकेट हैज अ डिफरेंट ब्यूटी। और जितना बिल्कुल, और आप देख ले बहुत अरसे से, मेरे ख्याल में बहुत अरसे से कोई टेस्ट ड्रॉ नहीं हुआ। हाँ, है, अगर ये सिर्फ बारिश के कारण कहीं हो गया तो हो गया, अदरवाइज रिजल्ट आ रहे हैं, इवन पांचवे दिन भी नहीं, चौथे दिन ही रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल फरुख भाई, आपने बड़ा सही बात की, क्योंकि अब तो यूएई में भी टेस्ट ड्रॉ नहीं होते। सही बात, रिजल्ट आ जाते। बिल्कुल, नन ऑफ द टीम इज गोइंग फॉर दैट टू। आजकल सारी की सारी टीमें ये कहती है या तो जीत लो या तो दे दो, तो ये भी एक फैक्टर बन गया कि विन और लूज वाला गेम हो गया, मेंटालिटी बन गई है कि जीतना है। बिल्कुल, मैं हाईलाइट देख रहा था, सारे आयरलैंड के बैट्समैन इवन इंग्लैंड के पुश करते हुए आउट हुए हैं बॉल, लेकिन मतलब हिट करने जा रहे हैं। वो जो एक क्वालिटी बैटिंग फरुख भाई जो होती है ना, वो रुक कर खेलने की, वो नजर नहीं आ रही थी, हर कोई पुश कर रहा था बॉल को आगे। तो ये तुम्हारे ख्याल में वनडे मोड में अभी तक टाइम लगेगा टेस्ट मोड में आने में, या जस्ट या आजकल की ये बन गई यही क्रिकेट है कि बस रन चाहिए? सलमान, जो मैंने नोटिस किया हाइलाइट्स, और थोड़ी सी ये लंबी वाली हाइलाइट्स ही डालते हैं ये स्काई स्पोर्ट्स वाले, तो उसमें दिख जाता है डेफिनेटली। इसमें गेम चेंजर मोड जो ऊपर की बॉलें थी ना, जिसे कहते हैं खिला के विकेट लेना लेंथ पे, हाँ लेंथ पे, तो वो गुड लेंथ के एरिया से ही हुई है और वो इन भी हुई है। जो बोल्ड हुए हैं, एलबीज हुए हैं, वो छोटी बॉलों पर कभी नहीं होते, वो सारी फ्रंट फुट वाली बॉलें होती है कि आपको जाना है, ड्राइव करना है। एक प्लेयर ने तो बॉल छोड़ी भी थी, वो बोल्ड हो गया था। हाँ, या, या। तो इन हो रही है, मतलब कि वो उस लाइन पे बॉल कर रहा है कि जहां पे आपको खेलना है, इधर वो अच्छी शॉट लग जाएगी या तो फिर एलबी या बोल्ड दिख रहे हो। तो ये डेफिनेटली इंग्लैंड का ये पैटर्न ही, मतलब बॉलिंग का तो ये दिख रहा था कि डायरेक्ट इन्होंने बॉलें ही आगे रखी है, पीछे वाली बॉलें तो थी नहीं, वह विकेट लो, गेम खत्म करो। तो मूवमेंट ये कि भाई ऊपर की बॉल थी, चौका छक्का मार लो या कवर ड्राइव मार लो, उन्हीं के चक्कर में उनकी विकेट गई है। अच्छा लकी, तुम फरुख भाई कमेंट। हां, मैं इतनी से कहता कि देखें, एक चीज रियलिस्टिक होती है दुनिया में, जो जो स्टैंडिंग्स होती है ना, इधर वनडे स्टैंडिंग हो या रैंकिंग हो या टी20 हो या टेस्ट हो, वो किसी वजह से होती है, ठीक है, और किसी एक मैच की बुनियाद पर नहीं होती। तो अगर कोई टीम नंबर वन है तो किसी वजह से नंबर वन है। Exactly. ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि इस वक्त इंग्लैंड का क्या नंबर है टेस्ट रैंकिंग के अंदर, टू, और आयरलैंड का क्या है? आयरलैंड तो खैर अभी स्टार्ट ही हुई है, 90 नंबर, समझे कि अगर 10 थे तो 11वें में आयरलैंड है। तो वही देखिए ना, तो फिर फर्क हो गया ना, तो कोई वजह होगी ना। तो उसमें अगर आयरलैंड ने उनको आउट किया था 80 पे, तो ये आयरलैंड का जो है वो कमाल था, ठीक है। और अगर उसने फिर इंग्लैंड ने 300 किया, तो ये इंग्लैंड का कमाल नहीं है, इंग्लैंड को तो करना ही था, ठीक है। और जब उनको फिर दोबारा आउट कर दिया, ये भी इंग्लैंड का कोई कमाल नहीं है, इनको तो करना ही था, ठीक है। तो और जो आपने बात की ये सामने खेलना, और ये सो जो तजुर्बा होता है, जो बड़ी टीम कहलाती है और जो मैच्योर टीम कहलाती है, वो फिर टाइम लगता है उसके अंदर। तो बेसिकली ये कि मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसिस करता हूँ कि जो रैंकिंग्स होती है वो किसी वजह से होती है। सही बात। हाँ, जब पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 8वें नंबर पे थी पाकिस्तान की टीम, बिल्कुल, तो वो जब जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो एक अपसेट था और वो एक कारनामा था उनका, राइट। लेकिन अगर पलट के रख दिया था, नंबर वन टीम ही वर्ल्ड कप जीतती है, तो वो एक कह सकते हैं कि डिजर्विंग थे, या वो एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये हो सकता है। तो इंग्लैंड, यू नो, जीती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया, इंग्लैंड वाले इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। दे हैव टू लुक इन देयर, उनकी अपनी कमजोरियों पे देखना है उनको, कि वो क्यों आउट हुए और उन्होंने फिर इतना क्यों फैलाया इसको। तो बहरहाल ये कि आयरलैंड के लिए ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये कि दे हैव लॉट टू लर्न, और इंशाल्लाह वो आगे कुछ ना कुछ दे विल लर्न इट। मैं सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक लूंगा, 3-4 मिनट हमारे शो के रख लें, 2 मिनट का टेस्ट को साइड करके मैं कह रहा हूँ, एसोसिएट नेशंस या ये जो नई नेशंस आ रही है, आयरलैंड, अफगानिस्तान, इनको क्रिकेट देना कितना इंपॉर्टेंट है। नजर आया कि उन्होंने फाइट दी है, भले से हार गए, फाइट दी है। तो क्या ये वर्ल्ड कप को उन्होंने जो 10 टीमों पे लिमिट किया है, क्या इनको चांसेस देने चाहिए और खेलने के? देखिए, उन्होंने एक ही चांस मिला, इंप्रेस कर गए, भले से हार गए, लेकिन इंप्रेस किया इन्होंने, फाइट दी इंग्लैंड को। लेकिन तुम शुरू करो कि क्या क्या देना चाहिए इनको चांस। सलमान, अगर आप क्रिकेट फैला रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली आपको बढ़ावा भी देना है ना।
ना कि सिर्फ वही कि ओके आप चार साल खेलते रहो उसके बाद हम सोचेंगे कि वर्ल्ड कप में देना है कि नहीं देना। जैसे ही इंग्लैंड को इतनी बड़ी वो मतलब चार सालों की ट्रॉफी जीती है, जैसे फारूक भाई ने भी बोला नो डाउट कि वो एक चैंपियंस हैं, तो 85 में आउट करना आयरलैंड के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट तो पूरे लॉर्ड्स में थी ना उस दिन 85 पे, राइट। तो वो उन्होंने एक तरक्की दिखाई है, बट मैंने पढ़ा था शायद 121 दिनों के बाद की पता नहीं कितने दिनों के बाद आयरलैंड को कोई टेस्ट मिला। जी जी 121 दिन के बाद टेस्ट तो छोड़ो कोई मैच मिला है मैच पे। तो आप इस चीज से भी मतलब देखें फिर मैच भी किसके साथ मिला है, उनकी धज्जियां उड़ाने के हिसाब से मिला है ना, उड़ा दी लास्ट ईयर में आउट कर दिया। आप इस आयरलैंड को फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान जिम्बाब्वे थी ये जो नीचे से रैंकिंग में आ रहे हैं इनके साथ दो, तो फिर एक उनको भी एक बढ़ावा मिले कि यस एक कंपटीशन है हम यहाँ से जीत के थोड़ा और मोराल हाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली नंबर वन वर्सेस नंबर 11 करा रहे हो तो डेफिनेटली ऐसे रिजल्ट आएंगे। या तो फारूक भाई आपके ख्याल में आईसीसी इनफ करती है इन नेशंस के लिए जिनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है इतनी, आईसीसी अपना काम करती है? आईसीसी अपना काम करती है ठीक है, आईसीसी आपको फंड दे सकती है, आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, उसके बाद फिर एसोसिएट कंट्रीज का अपना काम होता है ठीक है। अच्छा आयरलैंड की खुशकिस्मती है स्कॉटलैंड की कि वो इंग्लैंड से मिले हुए तो वहां गेम है और वो बहुत पुराना खेल रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आयरलैंड या स्कॉटलैंड के प्लेयर इंग्लैंड से भी खेलते थे या इंग्लैंड से खेलते थे फिर वो वहां चले गए। जी तो आईसीसी अपना काम करती है, बाकी जो एसोसिएट कंट्री है वो भी अपना काम करती है। हाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आयरलैंड को तो मिल गई उनके साथ खेलने की, लेकिन अगर कोई शायद अफगानिस्तान को बहुत दिनों तक इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जी वो ऑस्ट्रेलिया जाके खेले टेस्ट ठीक है। एग्जैक्टली अगर अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाके अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर वो एक बात होगी कि हाँ ये कुछ मुझे नहीं मालूम कि अब जो इंटरनेशनल टूर फीचर्स बनते थे उसमें कहाँ मैचेस हैं और क्या हम वी लुक इनटू इट और फिर किसी प्रोग्राम में बात करते हैं इस बारे में कि फ्यूचर में कौन सी कमजोर टीमें ताकतवर टीमों तक कब खेल रही हैं। मई में जाके अगला टेस्ट खेलेगी आयरलैंड वो भी अफगानिस्तान के साथ, आप सोचे कितना बड़ा गैप है। पिछले साल एक टेस्ट मिला है इनको जुलाई में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो भी यहीं पे, उसके बाद एक साल बाद इनको एक टेस्ट मिला है, अब इनको फिर वेट करना पड़ेगा 8-10 महीने। तो बड़ा कमर्शियल वैल्यू सामान जो है ना वो बहुत ही मैटर करती है। सही बात, अगर कमर्शियल नहीं हो तो फिर एक्सपेंसेस निकालना मुश्किल हो जाते हैं और खासतौर पर ब्रॉडकास्टिंग, कोई ब्रॉडकास्टर लेने को तैयार नहीं होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। आईसीसी ने वैसे भी अपने घर से तो पैसे देने नहीं है ना, कमर्शियलाइज हो गए पैसे आएंगे तो जैसे आते हैं वैसे ही वो एसोसिएट्स को देते हैं। नो डाउट क्रिकेट ग्रूम हो रही है पूरी दुनिया में, यूरोप अब सॉकर को भी छोड़ के एक हिसाब से क्रिकेट की तरफ ही दौड़ पड़ा है। यूरो टी20 जो है डेफिनेटली देयर इज अ बिग मोरल कहते हैं ना जिसमें बूस्ट हुआ है स्पोर्ट्स के हिसाब से क्रिकेट का। तो हम यूएस को चेक कर ले, हम यूएस इतनी आगे निकल गया है तो डेफिनेटली क्रिकेट ग्रो हो रही है और ये आईसीसी के बिना नहीं हो सकती थी। नो डाउट तो आईसीसी ने अपना हाथ रखा है, आगे जो एसोसिएट्स हैं उनको किस हिसाब से ले जाना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आईसीसी हर चीज तो कर नहीं सकती। लेकिन मैं वही फारूक भाई से पूछ रहा था कि क्या पर सपोर्ट होती है नहीं होती। अच्छा अपनी